हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल रस्टो हरोस की तरह। आज भी मैं आपके लिए लाया हूँ गर्मा गर्म टेक न्यूज। आज मैं घर पर नहीं हूँ, आज मैं बस में हूँ, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, इसीलिए तो आपको यहाँ पे भी आपकी टेक न्यूज मिलने वाली है। सो विदाउट टाइम लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, बस के चलने की आवाज़ आ रही होगी, आपको डिस्टर्ब कर रही होगा, पर दोस्तों आज के दिन ये मैनेज कर लें। तो दोस्तों, पहली न्यूज है चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 ने आज अर्थ की लाइव पिक्चर कैप्चर की, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, और जब ये मून पर पहुंचेगा तब भी बहुत मजा आने वाला है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपको बस में हूँ फिर भी आपको टेक न्यूज दे रहा हूँ। तो दोस्तों, IF फैल्कन ने इंडिया में आज अपना 4K HDR TV स्मार्ट एंड्रॉइड TV लॉन्च किया, और जिसकी प्राइस है 25,999 रुपीज़। क्या आप इसे लेना पसंद करोगे या फिर आप Xiaomi को प्रीफर करोगे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। न्यूज है फास्ट एंड फ्यूरियस ऑप्शन शो के बारे में। तो फास्ट एंड फ्यूरियस ऑप्शन शो ने कमाल ये है, पहले वीकेंड में 180 मिलियन प्लस डॉलर। क्या आपने वो मूवी देखी, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली न्यूज है फ्लिपकार्ट और अमेजोन के बारे में। तो दोनों में ही फ्रीडम सेल शुरू हो रही है और अगस्त 15 के लिए, और उसकी सेल डेट स्टार्ट हो रही है 8 अगस्त से, और उसमें कई सारे ऑफर्स भी है, तो वहाँ आप देख लेना, बहुत सारे ऑफर्स है वहाँ से, अभी मत खरीदना, पर 8 अगस्त को ही खरीदना। अब आज की बड़ी न्यूज है वन प्लस की तरफ से, और वन प्लस 7T Pro की लाइव पिक्चर लीक हो चुकी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और शायद इसमें हमें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्लस, और जानकारी मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और आज आर्टिकल 370 रद्द हो चुका है कश्मीर में से, बीजेपी की सरकार ने रद्द कर दिया कि अब वो आर्टिकल 370 अब वो नहीं चलेगा। ये एक अच्छी बात है, इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। पहले पता चला था ना, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने वह B30 Pro से एक ट्वीट किया था, और अब वो ब्लेम कर रहे हैं अपने असिस्टेंट को, उसने गलती से वह B30 Pro से ट्वीट कर दिया, पर उसको करना था वन प्लस 7 Pro से। आपको क्या लगता है, ये मिस्टेक थी, असिस्टेंट थी, या फिर कुछ और ही मामला है, मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पोको F1 की प्राइस और भी कम हो चुकी है, और 6GB 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस हो चुकी है 19,000 रुपीज। अगर K20 की प्राइस 20,000 हो जाए ना, तो ये मत खरीदना, वरना ये लेने लायक है। रेडमी के बाद अब रेडमी ने कंफर्म कर दिया वो 7 अगस्त को अपना 64 मेगापिक्सल कैमरा फोन रिवील करने वाले, लॉन्च हो या ना हो, पर वो कैमरा के बारे में तो बताने वाले हैं। रियलमी वाले का हरस 8 अगस्त ये कह रहे हैं, हम 7 अगस्त को शोकेस करेंगे। तो दोस्तों, हुआवे अब टेस्ट कर रहा है अपना होंगमैन OS अपने हुआवे के फोन में। शायद ये इस साल के एंड तक हमें एक फोन जरूर मिल सकता है, हुआवे लॉन्च कर सकता है होंगमैन OS के साथ। क्या आप उसे लेने के सोचोगे या नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब एक न्यूज है Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi ने लॉन्च किया है अपना ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर। आप वहाँ हाथ रखोगे तो वहाँ आपके हाथ में सोप आ जाएगा। क्या क्या लॉन्च करता है Xiaomi बिना, क्या आप इसे लेने की सोचोगे या नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब Redmi K20 और K20 Pro आपको मिलेंगे ओपन सेल में, आप वो उसे कभी भी और कहीं भी खरीद सकते हो। आज Xiaomi ने अपना नया गेमिंग लैपटॉप लॉन्च कर दिए है चाइना में, और इसमें हमें सेम टू सेम डिज़ाइन मिलेगा। 2018 एडिशन में जो डिज़ाइन मिलता था ना, वही सेम डिज़ाइन मिलने वाला, पर इसमें अपग्रेड किए हैं अपने इंटरनल्स में। तो इसके हमें बेस वेरियंट की प्राइस है 75,000 रुपीज़, और हायर वेरियंट की प्राइस है 80,000 रुपीज़। क्या आप इसे लोगे अगर ये इंडिया में इसी प्राइस में लॉन्च हुआ, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो Xiaomi ने आज एक नया और अजीब प्रकार का नया पेटेंट फाइल किया है, जिसमें हमें फुल व्यू डिस्प्ले तो मिलने वाली है, और
हमें इसमें 16 इंटीग्रेटेड पैनल भी दिखने वाला। अपना फोन सन से ही रिचार्ज कर सकते हो, ये एक अच्छी बात लग रही है मुझे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी टेक न्यूज थी। दोस्तों अगर आपको ये मेरा एपिसोड पसंद है इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों शेयर करना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।